हेलो एवरीवन, अभी हम जो राशि करने जा रहे हैं ये है कुंभ यानी कि एक्यूरियस राशि, जिसमें हम देखेंगे 5th फेब से 11th फेब तक क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल उनकी लव लाइफ में। ठीक है, मैं उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स भी देखूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्स विथ हर्मिट, ओके, यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 5th फेब से 11th फेब तक उनके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, हाई प्रिस्टिस, ओके, प्लीज क्लैरिफाई द मैजिशियन, प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टिस, ओके ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स, कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या होंगी अपने पार्टनर को लेकर, ये क्या फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर, ये क्या फील कर सॉरी अपने पार्टनर को लेकर ये क्या फील करेंगे। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे कुंभ राशि वालों के लिए। द लवर्स, द एम्परर, ओके, एक सेकेंड, हर बार बार कैमरा आ रहा है बेटा, तो बेसिकली कुंभ राशि वालों मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ ये जो है कवर हो गई हैं। जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी ओवरऑल अगर वीकली एनर्जी में बताऊँ तो वीकली में मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक्साइटेड, पहली वाली एनर्जी में दोबारा आते हुए, अपने आप को काफ़ी सजाते हुए, ध्यान देते हुए, अपनी केयर करते हुए, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक बोलते ना एक्साइटमेंट देखी जाएगी। बहुत लंबे समय से आप बहुत मायूस रहे हैं, अपसेट रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप अंदर से बहुत परेशान से रहे, डिस्टर्बेंस से गुजरे, फाइनली उस डिस्टर्बेंस से जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बाहर निकलना शुरू करेंगे। आप धीरे धीरे जो है अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट करते हुए नज़र आएंगे। आप अपने अंदर जो है एक अलग ही लेवल का जोश और बोलते ना एनर्जी देखेंगे, इस तरीके की आपके अंदर एनर्जी बनती नज़र आ रही है। जहाँ मैं बात करूँ आपके अंदर की कॉन्फिडेंस, ओवरऑल वीकली तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा वीक तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि पहले जैसा ही रहेगा, पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बट ये वीक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। जहाँ पे मैं बात करूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, देखो यार एक चीज़ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे एक चीज़ झूठ नहीं बोलूँगी, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली फ्रेश स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुद को हील कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप लोग दोनों इन्वेस्टेड थे वहाँ पर डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ उनको भी हुई है, हर्ट वो भी हुए हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों में डिफरेंसेस ज़रूर आए हैं, बट वो अब अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपनी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है मानो उनकी ज़िंदगी में जो सोच विचार करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड है, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग द वे वो जो सोचते थे वो आपके ऊपर रिलाय करते थे, डिपेंडेंट थे, आपकी बातें सुनना, आपसे डेली बात करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अब अपने काम पे बहुत फोकस करेंगे, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस करेंगे, खुद को हील करते हुए, खुद को बेटर पर्सन बनाते हुए। और आपको लेकर जहाँ पे मैं एक्शंस में भी नोटिस कर पाई हूँ, देखो एक्शन नहीं लेंगे, जो मैं बात बताती हूँ सच्ची बताती हूँ, जो हफ्ता है इस हफ्ते में आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मन ही मन वो आपको याद ज़रूर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और चांसेस है कि ये कई कई बार आपको सोचकर उदास भी होंगे, लेकिन फिर खुद को जो है हिम्मत देंगे और खुद को आगे पुश करेंगे और बार बार हील करने की बहुत ज़्यादा खुद को कोशिश करेंगे कि खुद को बेटर पर्सन बनाते हुए और आपसे एकदम डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका आपके प्रति अब ऐसा रिश्ता बन रहा है जहाँ पर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप देंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर आप जो है इनके लिए इन्वेस्टेड नहीं हो तो ये आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट देंगे। इस तरीके की एनर्जी है, गिव एंड टेक की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके एफर्ट्स या आपकी तरफ से
जो बोलते हैं ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखते हैं कि आप करेंगे तो ठीक, नहीं तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, ये फिलहाल इस हफ्ते की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हाँ, हाईली अट्रैक्टेड रहेंगे आपके प्रति, पर स्टबन एटीट्यूड के वजह से, ईगो के वजह से आपको अप्रोच नहीं करेंगे, खुद को संभालेंगे और आपको अप्रोच नहीं करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर रहने का प्रयास करने के लिए बहुत बिजी भी रहेंगे। जहाँ मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज़ की, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप कोई सलून या आप कोई लाइक बोलते हैं ना दाढ़ी वगैरह बनवाएंगे, या तो आप अपने बाल कटवाएंगे, या आप अपने आपको वर्कआउट वगैरह में बिजी करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन या अट्रैक्शन रिसीव होगा, आपके अंदर एक अलग सी शाइन देखी जाएगी, ग्लो देखा जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, टीम वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, सभी जगह इक्वली बैलेंस भी रहेंगे, घर पे भी बहुत अच्छा ध्यान देंगे, बाहर भी बहुत अच्छा आप जो है फोकस करेंगे, टीम वर्क में बिलीव करेंगे, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रखेंगे, और इनसे आपकी भी तरफ से अगर मैं नोटिस करूँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, तो आप इनसे दूरी बनाए रखेंगे, आप इनसे कनेक्ट होने का प्रयास नहीं करेंगे, आप अपने आप में खुश रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश में रहेंगे और आप खुश रहेंगे भी। ओवरऑल में अगर देखूँ तो हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा, बट यस, एक्शन की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर कोई एक्शन इस नहीं लेने वाले हैं। हाँ, ये आपको याद बहुत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां हैं, इसी को समझेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर अपने आप में बिजी रहेंगे। आपके प्रति इनके मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रहेगा, आपके लिए बहुत प्यार रहेगा, लेकिन प्यार के साथ ही आपसे दूरी बनाए रखेंगे। जहां मैं बात करूं आप लोगों की, जो लोग कॉन्टैक्ट में हो, जो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो, या साथ रहते हो, या मैरिड हो, जो भी मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो मैं उनकी बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्रति इक्वली इन्वेस्टेड नज़र आएंगे, यानी कि आपको नज़र आएगा कि अगर आप उनसे प्यार कर रहे हैं तो वो भी आपको प्यार देते नज़र आएंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे, आप ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम वाम में ज़्यादा बिजी रहेंगे, अटेंशन थोड़ा कम देंगे, लेकिन अगर आप इनसे प्यार से बात करेंगे, ये आपसे प्यार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप इनसे गुस्सा हो जाएंगे तो ये आपको गुस्सा दिखाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाले एटीट्यूड इनके अंदर ज़्यादा देखा जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार प्लस आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग भी इनके अंदर बनती हुई दिखाई देगी। कोई बात अगर आप इन्हें समझाना चाहते हैं तो इस हफ्ते ये आपकी बातों को समझने का प्रयास भी करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, काफ़ी आपके प्रति जो है लाइक गिविंग एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप इनको अगर कुछ बोलना चाहे, समझाना चाहे, करना चाहे, तो ये आपको सुनने के लिए तत्पर खड़े हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते अगर मैं देखूं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देखी जाएगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे, चांसेस है आप दोनों के बीच में इंटिमेसी भी होगी, फिजिकल इंटिमेसी होगी, आप लोग दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होगा कि आप हाईली अट्रैक्टेड लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा इनको एक अलग ही लेवल का वो मैग्नेटिक पुल देते हुए नज़र आएंगे। आपकी तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप की धुन में ज़्यादा रहेंगे, अपने आप में इंजॉय करेंगे, अपने आप में मस्ती करेंगे, लेकिन आपका यही अंदाज़ आपके अंदर समथिंग कुछ बदल रहा है वाली एनर्जी देखकर आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाएंगे, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा वो बेंड होंगे, और आपको जैसे देखने का या इनडायरेक्ट बात करने की, चीज़ें ठीक करने का लाइक इस तरह का दिखेगा एनर्जी जहाँ पे वो एफर्ट डालेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इन पे गुस्सा करेंगे तो ये आपको रिटर्न में गुस्सा करेंगे, ये आपसे दूर भाग जाएंगे। ऐसा है कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाली एनर्जी ज़्यादा है। जहाँ मैं ओवरऑल वीक की बात करूँ तो वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो सोचेंगे वो पाएंगे वाली एनर्जी ज़्यादा है। इस हफ्ते अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो चांसेस है आपकी दिल की या मन की पूरी हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर मैं उनकी बात करूँ जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, देखो यार, एक अच्छा प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, पर मैं कहूँगी जल्दबाजी नहीं करना। इस हफ्ते आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है अगर आप ट्राई करेंगे तो, बैठे बैठे सोच रहे रिश्ता आएगा तो नहीं आएगा, ट्राई करने पर एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। लेकिन मेरी एक एडवाइस आपको ये होगी कि इस वक्त हाँ ना करें कहीं पर भी, फिलहाल ये हफ्ता या कुछ एक महीने तक सामने वाले को अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, मतलब एकदम जल्दबाजी मत करना जितना हो सके, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में आपका किसी को भी हाँ बोलना फिलहाल सही नहीं रहेगा। इस टाइम आप अपने आप के कॉन्फिडेंस और हीलिंग पैटर्न में आ रहे हो, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कुछ बदल रहा है वो आपके भले के लिए बदल रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा और सब कुछ बेहतर करेगा। इसीलिए मैं कहूँगी कि फिलहाल आपको कहीं हाँ नहीं बोलनी है, आप सबसे बात करो लेकिन कहीं भी हाँ फिलहाल बोलो मत, ओके? फिलहाल टाइम लो, एक महीने बाद आप बोल सकते हो, पहले समझ लो सामने वालों को। यूनिवर्स मुझे एडवाइस दे, एक्यूरस राशि वालों के लिए क्या देंगे आप एडवाइस 5th फेब से 11th फेब तक के लिए? किंग ऑफ कप्स, देखो यार, लव जो है ना हमारे अंदर होता है, हमारे मन में होता है, ठीक है? अगर हमारे मन में ना प्यार नहीं होता तो हमें बाहर ना हमेशा सब नफरत और गलत ही दिखता है, सब चीज़ नेगेटिव होती है हमारे लिए, ये मुझे प्यार नहीं कर रहा, ये मुझे ये नहीं कर रहा, वो मुझे नहीं दे रही, इस तरह रहता है। अगर हमारे मन में ना हमारे अपने प्रति
जो प्यार होता है, प्रेम होता है हमारे अपने अंदर, अपने लिए, हमारे अगर बोलते ना, हम अपने आप से अगर प्यार करते हैं तो हमारे लिए दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। हमको हर इंसान में ना बहुत ज़्यादा ब्यूटी दिखाई देती है। हम किसी को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील नहीं करते कि यार ये मेरे को छोटा महसूस करा रहा है, या किसी भी नेगेटिव इंसान को भी आप पॉजिटिव करने का ताकत रखते हो। तो आपके अंदर प्यार होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मन में प्रेम है, देने का भाव है, आप बहुत ज़्यादा लव फील कर सकते हैं, तो आपके जीवन में आप वही लव रिसीव भी करेंगे। रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट पाएंगे, प्यार देंगे प्यार पाएंगे। आपके जीवन में इस समय जो आपके लिए यूनिवर्स डिमांड कर रही है वो ये कह रही है कि इमोशनली इन्वेस्ट करना सीखो, प्यार करना सीखो, प्यार से दूर मत भागो। प्यार तुमसे, ऐसा नहीं है कि एक इंसान गलत निकला तो सारे गलत निकलेंगे, नहीं। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर अपने आप पे अपने आप से कर लिया तो आप कभी लोगों पे निर्भर नहीं रहेंगे, आप किसी पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। और उससे क्या होगा ना, जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आप हर्ट कम होंगे। आप हर्ट नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव। तो आपकी पॉजिटिविटी और आपकी हैप्पीनेस को देख कर हर कोई आपसे आकर्षित होना ही है। इसलिए अपने अंदर प्यार महसूस करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, और कहीं ना कहीं लोगों को लिए आपके मन में नेगेटिविटी ना रखें। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको और ही नेगेटिविटी रिसीव होगी, राइट। सो ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। अगर आप लोगों को और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।